हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल जो आपका अभी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। मैं पूरी आपकी लिस्ट एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ और ये इसकी दूसरी है, पहली मैंने अपलोड कर दी है, ये इसकी दूसरी प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट का ये दूसरा आपका कंटेंट है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी साल आए हुए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ क्विकलिमन, जो होती है आपकी कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaO, इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। अब आता है टाइम डिफरेंस ऑफ 2 30 मिनट्स विल क्रिएट ए लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस ऑफ हाउ मैनी डिग्रीज। तो ये होता है जब आपको जो अर्थ होता है वो रोटेट करता है 360 डिग्री में, और एक दिन में आपके 24 घंटे होते हैं, तो आप इसको 24 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे का आएगा आपका 15 डिग्री, यानी आप जो 1 घंटे में जो है अर्थ जो रोटेशन करता है वो 15 डिग्री करता है। तो हमसे पूछा है 30 डिग्री, तो अगर हम देखें ऐसे तो 1 मिनट में कितना होगा, या फिर आप कह रहे हैं 1 डिग्री में कितना होगा, 1 डिग्री में होगा आपका 15/16 यानी 4 मिनट, ठीक है गाइस। अब इसने पूछा हमसे कि 30 मिनट के अंदर हम कितना करें, तो 30 मिनट के लिए हम यहाँ पे 30 मिनट कैसे लाएंगे, हम इसको इंटू करेंगे 7.5 से इंटू करेंगे तो हमारे इधर 30 आ जाएगा, जब हम इधर 7.5 से इंटू करेंगे तो हमें इधर से भी 7.5 से इंटू करना पड़ेगा, तो इधर यानी हमें 30 मिनट में जो अर्थ जो रोटेट करता है वो 7.5 डिग्री रोटेट करता है। अगर वो हमसे 1 आवर का पूछता है तो वो 15 होता है, अगर 2 आवर पहुँचता तो वो 30 होता है, ठीक है गाइस। तो इसका ये फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, हम न्यूरॉन आर रिलेटेड टू, न्यूरॉन किससे रिलेटेड है, ये आपका है, ये जो है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है आपका। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन और इन, सेल वॉल जो है किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो आपका प्लांट के अंदर होता है, प्लांट सेल के अंदर जो आपकी बनी होती है सेलुलोज और चिटिन से, राइट। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल व्हाट रिमेंस कॉन्स्टेंट, जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हो तो उसके अंदर क्या कांस्टेंट रहता है, तो वो आपके सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। और इसके अंदर पूछा जाता है कि क्या 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 चेंजेस होते हैं, पूछ लेते हैं। तो इसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है ना, वो इसके अंदर इंक्रीज होती है जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, और जो मेटेलिक करेक्टर होता है वो जो होता है वो डिक्रीज होता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो हमारा जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर जो होगा वो हमारा डिक्रीज करेगा, और एक डाउनवर्ड जाएंगे तो ये में तो इंक्रीज करेगा मेटेलिक करेक्टर, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब हम अपवर्ड जाएंगे जब मतलब लेफ्ट टू राइट जाएंगे वो इंक्रीज करेगा, और जब राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो वो डिक्रीज होगा, यानी डाउनवर्ड जब जाओगे तो आप वो डिक्रीज होगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज नोन एज, इसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, हम पाउडर, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaCl2, ये इसका फॉर्मूला है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टिश्यू कनेक्ट बोन टू बोन, तो जो बोन से बोन कनेक्ट करते हैं वो होते हैं आपके लिगामेंट्स। और इसके अंदर एक और क्वेश्चन जो है पूछा जाता है वो होता है कि बोन टू मसल किसे कनेक्ट करते हैं, तो आपका जो बोन टू बोन होते हैं वो होते हैं लिगामेंट्स, और जो कनेक्ट मसल से जो कनेक्ट करते हैं बोन्स को वो होते हैं टेंडन्स, टेंडन्स होते हैं गाइस, वो जो TENDON इसकी वेबसाइट है जो मसल कनेक्ट करते हैं मसल टू बोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टार्टिक एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो गाइस इसके मुझे ऑप्शन नहीं मिले कि आप कौन से होते हैं, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और कौन कौन से रिपीट हुए हैं, जो कई बार रिपीट हुए हैं, हर साल रिपीट होते हैं, तो हम उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। टार्टिक एसिड जो होता है, जो ग्रेप्स होते हैं आपके अंगूर, उनके अंदर होते हैं टार्टिक एसिड, और आपका
सिट्रिक एसिड जो होता है, जो जो आप नींबू हो गया आपका, संतरा हो गया, यानी वो उसके अंदर जिसके अंदर झालेदार होते हैं ना, उसी के अंदर आपके ये प्रेजेंट होते हैं, जो लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, सिट्रिक एसिड इनके अंदर होता है और होता है। और आपके एसिटिक एसिटिक पूछा जाता है, हर साल कई बार पूछा भी है, जिसके अंदर विनेगर के अंदर ये होता है प्रेजेंट। और फिर आपका मेटेलिक एसिड, मलेइक एसिड होता है आपका, मेटेलिक क्रम में मलेइक एसिड होता है, जो आपका होता है, जो आप एप्पल होते हैं ना उनके अंदर हो पाया जाता है ये मलेइक एसिड। और एक होता है कार्बोनिक एसिड, और ये पता नहीं कितनी बार आपसे पूछा गया है, जो आप पेप्सी वेप्सी पीते हो, जो सोडा ड्रिंक होते हैं उसके अंदर ही पाया जाता है, और एक मिल्क के अंदर भी होता है, ठीक है। और एक ऑक्जेलिक एसिड होता है, जो आप जो आप टमाटर खाते हो उसके अंदर ये होता है, और उसका एक एक काम होता है, जो रस्ट होता है ना, स्पॉट जैसे शीशे पड़ जाते हैं, तो उसको रस्ट के मिटाने के लिए हम ओजेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। और ठीक है, ये गाइस एसिड हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ये होती है रेशो बिटवीन टू डेंसिटी। तो इस अब ये रेशो है, तो अब रेशो अगर हम किसी दो डेंसिटी का निकालेंगे तो वो उनकी जो यूनिट होती है वो कट जाती है, तो यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो होती है यूनिटलेस। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस ऑब्लिक बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, सिंस द रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो, तो ये होती है यूनिटलेस। हाउ डज अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड, तो अमीबा अपना खाना कैसे डाइजेस्ट करता है, तो वो एक होता है इंटरसेलुलर, उसके अंदर वो डाइजेशन होता है, जिससे वो अपना जो फूड है वो डाइजेस्ट करता है, अमीबा इंटरसेलुलर डाइजेशन के थ्रू। वो हैज़ पुट फॉरवर्ड दी लॉस, और एक गाइज आप ये है कि आप इसके बाद में एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आप फेसबुक से और अपने एडसेंस को कैसे लिंक करके इनकम कमा सकते हो, ये उनके लिए है जो पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए मैं एक वीडियो डालूंगा, एडसेंस और फेसबुक को ऐड अप करके कैसे वो इनकम अर्न कर सकते हैं, कैसे अपने इसके लिए एड्स शो करा के कमा सकते हैं। तो ये है, वू हैज़ पुट फॉरवर्ड द लॉज ऑफ मोशन, इसैक न्यूटन ने दिया था ये, सॉरी इसैक न्यूटन में। और प्यूटी ग्रैंड इज नियर, जो ये जो आपका आता है प्यूटी ग्लैंड जो होता है बेस ऑफ द ब्रेन, जो आपके ब्रेन के अंदर होता है उसके अंदर पाया जाता है ये, वो डिस्कवर्ड वाटर, इसके अंदर पूछ रहा है आपसे, ये नहीं पूछा कि इसने पानी का आविष्कार किया, इसलिए यहाँ पूछ रहा है कि उसके जो फार्मूला है टू एच एंड ऑफ, मतलब एच टू ओ जो आपका फार्मूला था, टू पॉइंट्स ऑफ हाइड्रोजन, कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन कंपोनेंट ऑफ और वन पार्ट ऑफ ऑक्सीजन किसने किया, वो थे हेनरी कैंडिश ने 1781 में। वट काउज स्प्लिटिंग ऑफ लाइट वैन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर जब भी कोई लाइट जाती है तो सात कलरों में बढ़ जाती है, जो कि विवियो, ऐसा क्यों होता है, कि इसलिए होता है क्योंकि जो डिफरेंस होती है वेवलेंथ के, वो होता है डिफरेंस इन वेवलेंथ, तो डिफरेंस वेवलेंथ के। वट इज़ द कॉमन नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मल नेम होता है, ये कितनी बार आपसे पूछा गया है, ये होता है आपका बेकिंग सोडा। जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपका बच्चों, ग्राउंड सेल आर सराउंडिंग बाय गार्ड सेल जो होते हैं ना, उनकी सुरक्षा करते हैं एपिडर्मिक सेल्स जो होते हैं, स्टेम होता है, रूफ होता है, लीफ होता है फ्लावर के, फ्रूट एंड सीड्स पार्ट ऑफ पार्ट। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, तो गाइज इसका मुझे ऑप्शन नहीं मिला, तो इसके अंदर आप एनिमल सेल्स और प्लांट सेल के अंदर डिफरेंस देख लेंगे। ठीक है, आप डिफरेंस पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा पाँच। ठीक है, वो डिस्कवर इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, तो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जो है इन्होंने किया था, उसका नाम था सैमुअल मोर्से ने। ठीक है, सैमुअल मोर्से थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का आविष्कार किया था 1837 में। वो इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के
के जो फादर हैं उन्हें कहा जाता है, हिप्पोक्रेट्स नाम के एक साइंटिस्ट थे। ये हैं कि हिप्पोक्रेट्स जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। ड्यूरिंग हाइब्रिडेशन फ्रॉग स्पाइस थ्रू, जब हाइब्रिडेशन का जब होता है तो फ्रॉग अपनी स्किन से, अपनी अपनी त्वचा से वो आप लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। यूरिन स्टोर्ड इन, ये जो यूरिनरी ब्लेडर है, यूरिनरी ब्लेडर के अंदर वो स्टोर होता है। व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस? तो गाइज इसका जो आप देख रहे हैं सेंटर में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो कंबाइंड है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका बाहरी उसमें है। इसमें न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अभी किसी से भी आपका, तो इसके जो आंसर जो है, इसका जो आंसर है वो आपका है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। व्हाट इज बेसल कन्वेंशन? ये एक तरह की आपकी टेरिटरी है, ये आपकी है, जो है वो यूनाइटेड नेशन की टेरिटरी है। और अपने तो इसके बारे में है जो ये बता देता हूँ आपको, ये आपकी व्हाट इज बेसल कन्वेंशन, ये एक यूनिट नेशनल टेरिटरी है। 22 मार्च 1989 को कही थी, और ये स्विट्जरलैंड में इसका ऑफिस है। मैक्सवेल जो है वो आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स की ये यूनिट। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो था मोशन ऑफ इनर्शिया लॉ, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी बॉडी है अगर वो मूविंग में है तो मूविंग में रहेगी, अगर पॉज रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, जब तक कोई भी इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो ये न्यूटन का पहला लॉ था, लॉ ऑफ इनर्शिया। इन नॉर्थर्न हेमिस्फेयर समर सोल्स्टिस ऑकर्स ऑन, जो आपका नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में जो होता है, ये जो आपको शोर रही नॉर्थर्न है, समर सोल्स्टिस है जो होता है 21 जून को। इस दिन क्या होता है कि जो आपका जो जो डे होते हैं ना, इनके अंदर वो बड़े होते हैं, नाइट जो होती हैं वो छोटी होती हैं। और साउथ में इसमें जो होता है, इस वाले में ये आपका विंटर है, विंटर सोल्स्टिस है। इसमें आपका डेट होता है साउथर्न हेमिस्फीयर में होता है 22 दिसंबर के दिन जो होता है, उस दिन ही होता है। इस दिन जो है आपका डे ज़्यादा होता है और नाइट छोटी होती है। इस दिन गाइस जो वेस्टर्न में विंटर में यहाँ पे 22 तारीख को, 22 दिसंबर को यहाँ दिन बड़ा होता है, और समर में 21 जून को डे बड़ा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, हाँ, फर्टिलाइजर बेसिक कंसिस्टेंट ऑफ, अब फर्टिलाइजर जो मेन कॉन्सेंट होते हैं वो होते हैं पोटेशियम, और दूसरा होता है आपका फॉस्फोरस, और तीसरा होता है आपका नाइट्रोजन। ठीक है गाइस, ये तीन होते हैं जो आपके बेसिक फर्टिलाइजर कंसिस्ट होते हैं, और थ्री मेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। नाइट्रोजन होता है लीफ ग्रोथ के लिए, फॉस्फोरस होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स के लिए, फ्लावर्स सीड्स और फ्रूट के लिए, पोटेशियम जो होता है स्ट्रॉन्ग गेट स्टीम ग्रोथ के लिए, वाटर मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ प्लांट, प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग एंड फिल्टरिंग आर द थ्री सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर। ये कई बार पूछ लेता है इसके भी, या तो मैट्रिक एसिड म्यूरिटिक एसिड इज आल्सो नोन एज एसिडम, और आप इसे ये भी बोल सकते हैं एसिडम सैलिस भी बोल सकते हैं आप इसे, और स्पिरिट्स ऑफ साल्ट भी बोल सकते हैं। ये सारे आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम है, तो मैट्रिक एसिड को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। और गाइस एक चीज़ और, इसके अंदर ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये आपके पेट के अंदर भी बनता है, तो इससे कई बार पूछ लिया जाता है कि आपके स्टोमक में कौन सा एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है।
जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं जब आप कुछ ऐसे अनहाइजीनिक खाना खा लें तो उससे प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अदर नेम ऑफ ऑयल ऑफ विट्रोल? इसका है फॉर्मूला होता है H2SO4, जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, वो आपकी जो सबसे होती है फ्यूमर होती है जो थाई में होती है, और सबसे छोटी होती है जो कान की स्टेप्स होती है वो सबसे छोटी होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क्स ऑन द प्रोसेस प्रिंसिपल्स ऑफ। हाइड्रोलिक ब्रेक्स क्या होते हैं, जो आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किसके ऊपर वर्क करेंगे, वो होते हैं पास्कल्स के ऊपर करते हैं। पास्कल्स का लॉ है, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं पास्कल का लॉ क्या है। ठीक है, स्किन कलर इज ड्यू टू, कलर का जो कलर होता है वो एक होता है किसी का ब्लैक किसी का वाइट, वो किस कारण से होता है, उसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट और मेलनिन की वजह से होता है। मेलनिन पिगमेंट एक एक पिगमेंट होता है, इसकी वजह से। विटामिन सी इज कॉमनली यूज कॉल्ड, साइंटिफिक नेम इसका जो होता है विटामिन सी का वो होता है एक्सॉर्बिक एसिड, और औरों के भी मैंने यहाँ डाले हैं क्योंकि कई बार पूछ लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट है चार्ट, तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे विटामिन ए के लिए रेटिनॉल, रेटिनॉल का बेटा कार्टेन, विटामिन बी के लिए थायमिन, विटामिन बी टू के लिए रेफिनॉल, सी के लिए एक्सॉर्बिक एसिड, विटामिन डी होता है क्लोरोसिफिलोर, और ये पूछा भी जा चुका है आपसे, ई के लिए टॉक्टोफिरोल। और ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं काफ़ी, और फेसबुक पे मैं सोच रहा हूँ इसका लिंक भी दे दूँ आपको पीडीएफ का, और मैं वीडियो शेयर भी करूँगा फेसबुक पे, आप वहाँ पे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिट क्या है? बिट एक शॉर्ट फॉर्म है कंप्यूटर्स लैंग्वेज की, जिसके अंदर हम कहते हैं बाइनरी डिजिट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 या 1 होती है। इलास्टिक टच जो होता है ये आपका एड्स के लिए होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होती है इसकी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेट ऐसे इसकी फुल फॉर्म है, और ये HIV के लिए मतलब एड्स के लिए इसका टेस्ट होता है। मिनी मात्र डिजीज काउज ड्यू टू दी एक्सेस ऑफ, मिनी माटा डिजीज जो है वो किसके वजह से होती है, वो होती है मरकरी के कारण होती है। ये मरकरी अगर किसी को खा ले या फिर किसी ऊपर दे जाए तो ये खाने में, तो इससे बीमारी होती है। टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी वाज अडॉप्ट फॉर दी विच डिजीज? टेस्ट एंड ट्रीट पॉलिसी जो है पॉलिसी किस ने वाज अडॉप्ट फॉर विच डिजीज? तो ये जो है वो आपकी HIV से लिंकअप है। विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कट क्लॉट? तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो ब्लड क्लॉट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है? ठीक है, तो वो है आपका तो इसका आंसर है आपका वो होता है आपका INOURNS, द फिब्रिनोजस। इसका आंसर है फिब्रिनोगन। विच गैस इज इमिट फ्रॉम काउ डक? तो काउ डक के जो गोबर बनता है कौन सी गैसेज निकलती हैं, वो होती है आपकी वो मिथेन आपकी जो है वो से जो गाँव के जो गोबर है उससे निकलती है मिथेन, और इसको ऐसे भी कई बार पूछा गया है कि नेचुरल गैस कौन सी होती है, तो वो भी मिथेन होती है। हमारी बॉडी में इन आवर बॉडी ब्लड इज नॉट क्लॉट ड्यू टू विच प्रोटीन? हाइपरिन जो होता है उसकी वजह से होता है ये। नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी इज वो होता है 120 से लेके 80 जी, यानी 80 mg से 120 के बीच में आपका जो है होगा। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया? वो थे हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका डिस्कवर किया था
मैं सोच रहा हूँ कि एक डिस्कवरी के ऊपर भी वीडियो बना दूँ और अब जल्दी अपलोड करूँ। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर किया था जे जो थे वो जे जे थॉमसन जी थे, हमारे सर जे जे थॉमसन, और ये इनकी फ़ोटो है। और इन्होंने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था, और प्रोटॉन का जो आविष्कार किया था वो थे हमारे रदरफोर्ड ने, और आपके बच गया आपका न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन रह गया, ठीक है, आविष्कार जो न्यूटन थे उनका, न्यूट्रॉन जो था उनका किया था चार्डविक ने, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों बता दिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसने इनकी खोज की थी, ठीक है गाइस। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है एडिस्टॉल थे, जो इसके फादर हैं, जिसकी स्पेलिंग है ARISTOTLE, एरिस्टॉल, जिन्होंने इसकी 4th सेंचुरी में की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्प द बॉडी इन ब्लड कल्चर, तो आपकी विटामिन के होती है, विटामिन के जो होता है वो इसके लिए ब्लड ब्लड क्लॉट करता है हमारी बॉडी में। व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपिंग ऑफ फ्रूट्स, रिपिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होती है थाइलिन, वो होता है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रिपिंग करने के लिए फ्रूट्स को, थाइलिन, ठीक है। वो अमंग द फॉलोइंग आर कोल्ड ब्लड एनिमल, इसके ऑप्शन नहीं मिले तो मैं आपको बता देता हूँ कोल्ड एनिमल कौन से होते हैं, हॉट ब्लड एनिमल कौन से होते हैं। तो ऑल रेप्टाइल, बॉस, लुगन्स, रेड ईयर्ड स्लीपर, अदर स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड टर्पिड्स, टर्टल्स, ऑल इंसेक्ट्स, एंट्स, बी, बटरफ्लाइज, बेटल्स, ऑल फिश, सैल्मन, शार्क्स, लिप्सार्ट्स, गोल्ड फिश, ये सारे कोल्ड हैं आपके। और ये जो मेन मैं आपको बता रहा हूँ लिजर्ड्स और टर्टल्स और टोटल्स, ये आपके मेन्स हैं जो पूछ जाते हैं। ग्रोथ हॉर्मोन्स आर सीक्रेट फ्रॉम विच ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उससे बनते हैं। और एक बाइल आता है, बाइल जो लीवर के अंदर होता है, वो भी पूछा गया था बाइल कहाँ जो सीक्रेट होता है वो लीवर के अंदर होता है। और बोन, तो ये अगला क्वेश्चन था विटामिन सी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि किस किस के अंदर होते हैं, तो टॉप किस किस के अंदर पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, तो ये है। तो आपको ऑप्शन मुझे मिले नहीं थे तो मैंने वहाँ सारे बता दिए थे किस किस के अंदर ये होते हैं, तो ये पूरा चार्ट है आप देख सकते हैं इसको किस किस के अंदर होते हैं, किस किस के अंदर। अब पाउडर इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, तो चिचौरी पाउडर जो है वह आपका पाया जाता है प्लांट्स के रूट्स में, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन फूड, कैलोरी में नापते हैं हम इसको, कितनी कैलोरी आपने ली, कितनी कैलोरी आपको लेनी चाहिए एक हेल्थी पर्सन को, आपका वेट, वेट नाप के वो कैलोरीज होती है जो फूड एनर्जी नापती है। नेम द प्रोटीन प्रेजेंट इन हेयर, प्रोटीन के जो बालों के अंदर उसे हम कहते हैं क्रिटीन, इसकी स्पेलिंग होती है KERAtin, क्रिटीन होता है। विच गैस इज कंटेन इन फायर एग्जिस्ट, वो होती है CO2 होती है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड जो इसके लिए यूज की जाती है, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, वो होती है ओम, ये साइंस का क्वेश्चन है, फिजिक्स का आपका, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सेम फिजिक्स का क्वेश्चन है, हर्ट्ज होती है जिसका आंसर। नेम द कूलेंट यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर, कौन सा यूज होते हैं हम जनरली यूज करते हैं, वो वाटर यूज करते हैं, तो रिएक्टर यूजली वाटर, बट अदर्स में सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्टार्स होते हैं आपका टेम्परेचर के, न्यूक्लियर होता है इसका फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन रिएक्शन के।
द एनर्जी सोर्स ऑफ स्टार, द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द कोलैप्स ऑफ द गैस इनटू प्रोटॉन स्टार और देन द सेंटर ऑफ द प्रोटॉन टू बिकम एक्सट्रीमली हॉट। और कई बार ऐसा पूछे सन के एनर्जी का सोर्स क्या है, इसका भी क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। लीड इन एयर पोल्यूशन ड्यू टू, लीड इन एयर पोल्यूशन ड्यू टू वो होती है आपका जिस आपने देखा होगा बैटरी हो गई, पेंट्स हो गए, लेकिन जहाँ पे लीड यूज होती है तो उससे उसकी वजह से लीड पोल्यूशन होता है। ऑटोमोबाइल्स बैटरी ऑफ जिस ये ऑप्शन था उसके अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड टू लंग्स बाय, तो ये आपका हार्ट का एक पूरा है, हार्ट के ऊपर एक वीडियो मैं बनाऊंगा तो इसके अंदर बताऊंगा कि आपका ब्लड किससे कहाँ, किस आर्टरी से, किस वेंट्री से अंदर, किस लंग्स के थ्रू कौन सी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, कौन सी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, कौन सी आपके ब्लड को आपके शरीर को देती है। तो जो इसका आंसर है पल्मोनरी आर्टरी होती है जो आपको जो ये काम करती है, वैसे तो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं। बाइल जूस स्टोर्ड, मैंने आपको पहले बताया था ये जो है आपका लीवर में बनता है, ठीक है, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, गाल ब्लैडर के अंदर होता है, ठीक है, स्टोर होता है ये गाल ब्लैडर के अंदर और बनाता है इसके अंदर। अब इसका गाइज मुझे ऑप्शन नहीं मिला तो मैंने पूरा आपको चार्ट दे दिया कि कन्वर्ट किससे आप करके, अगर 1024 बाइट है तो 1 KB के बराबर होगा, 1024 KB है तो MB आएगा, 1024 MB है तो 1 GB आएगा, 1024 GB है तो 1 TB आएगा, 1024 TB है तो 1 PB आएगा, और ये इनके KB किलोबाइट। तो ये आप चार्ट डिस्पोज कर देख सकते थे। पोर्टल सीमेंट वाज इन्वेंटेड बाय, तो ये जो गाइस है जब मैंने आपको बताया था अभी एक मैंने पीछे बताया था आपको न्यूटन का, और ये है जोसेफ एस्पिन जिन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था। अब विच गैस इज एमिटेड आउट ऑफ सुपरसोनिक जेट को, तो कौन सी गैस है जो सुपरसोनिक जेट से निकलती है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। नेम द केमिकल फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, NHCO3 पहले डिस्कस कर चुके हैं हम इसके अंदर, जो होता है आपका बेकिंग सोडा। पुट द फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ हेडिटी, हेडिटी का फॉर्म जेनेटिक्स के जो मेंडल ने लिया था, फादर ऑफ जेनेटिक्स, और ठीक है गाइस। मैक्सिमम एक्सटल टाइड ऑफ प्लेनेट ऑन एक्सिस, तो गाइस इसका मुझे ऑप्शन नहीं मिला कि क्या ऑप्शन पूछे थे, तो मैंने पूरा दे दिया इसके अंदर, पूरा चार्ट है या आप पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है गाइस। सबसे ज़्यादा यूरेनस था यहाँ पे, अब वहाँ पे क्या ऑप्शन था वो मुझे पता नहीं, आप देख सकते हैं क्योंकि तो ऑप्शन मुझे इसके मिले नहीं, ठीक है गाइस। अब वो इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी, एरिस्टॉल हैं जो फादर ऑफ जूलॉजी हैं। एंड द एनिमल सेल इज परमेबल और सेमी परमेबल, तो एनिमल सेल जो होते हैं वो सेमी परमेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।